आज के कार्यक्रम की पहली और आज के यहाँ के कार्यक्रम की अंतिम सभा में उपस्थित समस्त जनमानस को मैं मंच की ओर से कोटि कोटि साधुवाद देता हूँ, अभिनंदन करता हूँ, स्वागत करता हूँ। कुशल संचालक जो आज के चारों मंडलों की वागडोर अपने हाथ में लेकर विराजमान है, उनका मैं मंची अभिनंदन कर रहा हूं। आदरणीय भैया श्री मुंशी लाल जी धाकड़ साहब, तुलाराम जी धाकड़ साहब एवं हरिओम जी धाकड़, आप सभी के आप सभी भाइयों का मैं अपने मंडल ही नहीं बल्कि पूरे मंच की ओर से आपका हृदय से स्वागत अभिनंदन कर रहा हूं इस बृहद आयोजन के लिए। ध्वनि विस्तारक यंत्र के संचालक महोदय जी का भी स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। आज समय परिधि में कार्यक्रम संपन्न करना है, सही भी है। आइएगा कार्यक्रम का प्रारंभ करते हैं। मेन माइक को थोड़ा और देख लीजिएगा। बिल्कुल भाई साहब, शुरुआत है, हम लोग गले में कुछ हरकत होगी, हम लोगों का ध्यान रखिए भाई साहब। कल बढ़िया कार्यक्रम चला, बहुत बढ़िया, सभी मंडलों ने बढ़िया गाया है। ये समिति ने जो स्वागत सत्कार किया है, जो स्नेह दिया, उसके हम ऋणी हमेशा रहेंगे। आइएगा प्रारंभ करते हैं। वक्तुन महाकाय कोटि सूर्य सम प्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकारेषु सर्वदा। ध्यान मूलं गुरु मूर्ति, पूजा मूलं गुरु पदम, मंत्र मूलं गुरुर्वाक्यं, मोक्ष मूलं गुरु कृपा। ओम जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी, दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा स्वधा नमोस्तुते। जय हो, क्या बात है। नवरात्रि का समय चल रहा है, प्रथमं शैलपुत्रे द्वितीयं ब्रह्मचारिणी तृतीयं चंद्रघंटेत कूष्मांडेत चतुर्थकं पंचमं स्कंदमातेत षष्ठं कात्यायनीत च सप्तमं कालरात्रीत महागौरीत च अष्टमं नवमं सिद्धदात्री च नव दुर्गा प्रकीर्तिता। क्या बात है, क्या बात है। कल क्या हुआ, क्या विवाद हुआ मंडलों के बीच में, उसको सब कुछ पीछे छोड़कर आज के नई शुरुआत करने जा रहा हूं। ये बात कि तेरे रुख पे निखारा जाए, ये बढ़िया सा गीत बढ़िया दिया था आदरणीय हमारे मदनलाल पंजाबी जी ने। कोई सजा दे, कोई सितम गर, फिर न ऐसे मुझसे निगाह, दिल की दुआएं तुमको बुलाएं, तेरे लिए बेचैन ये बाएं, मेरे महबूब मेरी कसम है तुझे, आके अपने गले से लगा ले मुझे।
के अपने गले से लगा ले मुझे, तो गोरे तन पे निखारा जाए, गोरे तन पे निखारा जाए। तू जो हंस दे, तू जो हंस दे, तू जो हंस दे बुखार आ जाए। ऐसा कुछ है, हमको आता नहीं है, सही कर लेना अगर कोई तुझे। और मेरे दिल को करार आ जाए, घर पे खुद ही शिकार आ जाए। बढ़िया गीत गाया था, बढ़िया। दो एंगल है जवाब देने के आदरणीय पंजाबी जी। एक तो एंगल ये है कि जो आपने कहा वही मैं भी कह दूं। ये बात कई उदाहरण ऐसे हैं कि शिकारी के पास शिकार चल के खुद आ जाए। एक और दूसरा एंगल है, मैं प्रयास करता हूं कि आपको संतुष्ट करूं। ये बात कम शब्दों में, कि दूर मन का विकार हो जाए। दूर मन का विकार हो जाए, खुद शिकारी शिकार हो जाए। क्या बात है, क्या बात है। एक एंगल ये है कि दूर मन का विकार हो जाए, जहां से जवाब ले रहा हूं। अब की राख ले ओ भगवान, हो अनाथ बैठो तुम डरिया पारि साधे मान, ताके डर में भाजो चाह तुम पर ढुको सचान। क्या हुआ, डाल पे बैठा था एक पक्षी, डाल पे बैठा था एक पक्षी, नीचे शिकारी धनुष चढ़ाए, भागना ऊपर चाह रहा है, भागना ऊपर चाह रहा तो अरबाज नजर ऊपर है आए। हरी शरण में गया वो लाचार हो गया, हे भगवान मैं तुम्हारी शरण में हूँ, मेरी रक्षा करो, अपनी राख ले भगवान। हरी शरण में गया वो लाचार हो गया, तो सांप प्रकटाए ऐसा चमत्कार हो गया, शिकारी दो है, शिकार एक है, सर्प प्रकटाए ऐसा चमत्कार हो गया, सांप प्रकटा ये ऐसा चमत्कार हो गया। इधर शिकारी को सांप ने काटा, और काटते ही उसके हाथ हिला, बाण छूट गया, उधर बाज पार हो गए। क्या बात है, क्या बात है।
और जब पक्षी ने देखा तो कहता है नाथ कि अब दूर मन का विकार हो जाए, दूर मन का विकार हो जाए, खुद शिकारी जो खुद शिकारी शिकार हो जाए, दूर मन का विकार हो जाए, दूर मन का विकार हो जाए। दो गीत थे और समय परिधि में मैं समझता हूं कि जवाब पर्याप्त है। बिल्कुल 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 भैया, पर्याप्त ना हो तो कहो एक दो अंतरे और बढ़ा दें, बस बढ़िया है। दूर मन का विकार हो जाए, खुद शिकारी शिकार हो जाए, खुद शिकारी शिकार हो जाए। एक गीत और आया था आदरणीय दादा ये सम्मानी पंजाबी जी की ओर से, क्या बात है। जय हो। हो घूंघट बनाए कितने, क्या बात बेटा, बहुत बढ़िया ये बेटे नारायण, क्या ढोलक बजा रहे बेटे, शाबाश बेटे शाबाश, वाह बेटे वाह, क्या बात बेटा, जय हो। घूंघट बनाए मिले मेरी नजर ले, अब नहीं आ गया था, काहे तेरे से निकले हो तुम अपने घर से, क्या बात है, ओ रब्बा बाली उमर ने मेरा हाल ये किया, नींद चुराई मेरा दिल दे लिया, बारी उम्र ने मेरा हाल ये किया, आया है आदमी पंजाबी जी की ओर से, कि होना नहीं था जो वो हो गया। आदरणीय पंजाबी जी, किसी कलाकार को नीचा दिखाने के लिए नहीं, ये कलाकार के खुद के सुधार के लिए है। कलाकार को काव्य शास्त्र की विधा के अनुसार 6 अक्षरों से गीत लिखना छोड़ देना चाहिए, तो उसके लिए खुद के लिए हानिकारक होता है। भा हा रा झा खा और सा, ये कल भी मैंने टोका था आपको और आज भी केवल निवेदन कर रहा हूं कि अगर हो सके तो इन अक्षरों से गीत प्रारंभ न किया करिए। होना नहीं था, यहां से जो शुरू हो रहा है, हाँ एक विकल्प जरूर होता है कि आप हाक जो होना लिखे, इसके कहीं हरी लिखा हो, हनुमान लिखा हो, ये तो गुरु भाव से आप लिख सकते हैं, ये बात रामे राम लिख सकते हैं, सामे सीता लिख सकते हैं, लेकिन होना नहीं था जो आज हो गया, कि सोना नहीं था जिसको वो सो गया, होना नहीं था जो
हो गया। सोना नहीं था जिसको वो सो गया। बहुत से ऐसे उदाहरण हैं। एक मैं आपको उदाहरण दे रहा हूं कि जाने की ख्यालों में जय हो जीवा ये जाने की ख्यालों में वो खो गए जाने किन ख्यालों में वो खो गए कि सोना नहीं था जिनको वही सो गए जाने किन ख्यालों में वो खो गए जाने किन ख्यालों में वो सो गए जाने किन ख्यालों में कौन खो गए कौन कि दो दैत्य ब्रह्मा जी को जय हो ब्रह्मा जी को मारना चाहे मधु और कहता हूं तो दैत ब्रह्मा जी को मारना चाहे तो हरि की रास्ता देखे ब्रह्मा विकल हो देखे प्रभु जी की राह लेकिन जब भगवान को देखा तो योग निद्रा में थे तो कहने लगे क्या कि जाने किन ख्यालों में प्रभु जाने किन ख्यालों में वो खो गए और सोना नहीं था जिनको वो सो गए जाने किन ख्यालों में वो सो गए जाने किन ख्यालों में वो सो गए सोना नहीं था जिनको वो सो गए एक टुकड़ा और सुनिए ओ भगवान का प्राकट्य हुआ जेल के अंदर। कंस निश्चिंत इसलिए कि मैंने बड़े बड़े दिग्गजों को पहरे पर रख दिया है लेकिन परिणाम कि टूटे हैं बंधन सारे ये हो बंधन सारे खुले जेल द्वार हो और पहरा भी देना पाए सोए पहरेदार हैं चेतना सिखोई अचेतन वो हो गए चेतना सिखोई अचेतन वो हो गए तो सोना नहीं था जिनको वो सो गए रहा आदरणीय पंजाबी जी के बहुत अच्छे अच्छे गीतों का मंचीय टूटा फूटा प्रयास। आएगा मैं अपनी ओर से गीत जैसा आदेश हुआ है समय परिधि में एक गीत एक गीत
किसी के लिए लिखा था, नहीं बताऊंगा किसके लिए, लेकिन गांव में रहा हूं। ये समझो समझदार। हाँ हिसाब ही तुम हिसाब ना लगा बेटा, रहने दो। कि तेरी चाहत मेरा चैन चुराएगी, मैं तो मर जाऊंगा लेकर नाम तेरा, नाम बदल नाम मगर कर जाऊंगा बदनाम तेरा। गीत कहता है तोबा तोबा संजय भैया, ये तोबा तोबा मुझे पसंद आ गया। तोबा तोबा फिर क्या होगा, ये मेरी दीवानगी तड़पाएगी तेरे साथ ही मेरे मरने की खबर आएगी। ओ मेरी महबूबा महबूबा महबूबा, ओ मेरी महबूबा महबूबा महबूबा, तुझे जाना है तो जा तेरी मर्जी मेरा, पर देख तू जो रूठ कर चली जाएगी, देख तू जो रूठ कर चली जाएगी तेरे साथ ही मेरे मरने की खबर आएगी। ओ मेरी महबूबा महबूबा महबूबा, ओ मेरी महबूबा महबूबा महबूबा। विषय शुरू कर रहा हूं आदरणीय जन समुदाय, आदरणीय भैया पंजाबी जी, के ने मांगे थे महाराज से वरदान, के ने दो मांगे महाराज से वरदान, महाराज को लगा कि जैसे टूटा आसमान। एक में कोई बात नहीं थी, तो हाथ जोड़ करके गिड़गिड़ाने लगे हैं, हाथ जोड़ करके गिड़गिड़ाने लगे हैं, रूठी हुई महारानी को मनाने लगे हैं, रूठी हुई महारानी को मनाने लगे हैं, रूठी हुई महारानी को मनाने लगे हैं। हे देवी मान जा, संसार में हो जाओगी बदनाम जान लो, तो वरदान के पहले ही ये परिणाम जान लो। वरदान लेने के पहले, वरदान के पहले ही ये परिणाम जान लो। अब गीत के गाने की पहले ही आदरण हमारे सम्मानीय सुरेश भैया धाकड़ साहब, आपकी ओर से एक से एक मुद्राएं भेज हुई हैं, क्या बात है, हृदय से स्वागत करता हूं। संसार में हो जाओगी बदनाम जान लो, वरदान के पहले ही ये परिणाम।
ओ मेरी महारानी ओ मेरी महारानी 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 अरे पंजाबी भैया और आदि जन समुदाय ओ मेरी महारानी 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 एक वर्षे हैरानी एक वर्षे हैरानी ना कुछ भी हैरानी समझ रहा लेकिन वरदूजे से कहानी बिगड़ जाएगी वरदूजे से कहानी बिगड़ जाएगी तेरी मांग से तेरी मांग ही उजड़ जाएगी ओ मेरी महारानी 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 बात गुरुदेव बहुत बढ़िया परम स्नेही और एक कुशल सुयोग मंच संचालक आदरणीय सम्मानीय हमारे भैया नगेश जी आपकी ओर से ये बड़ा स्नेह इसको पुरस्कार नहीं कहूंगा मैं इसको स्नेहल पुष्प कहूंगा जो मेरे लिए भेंट किया है मैं आदरणीय नागेश जी का हृदय से स्वागत अभिनंदन कर रहा हूं जय हो वरदूजे से कहानी बिगड़ जाएगी वरदूजे से कहानी बिगड़ जाएगी तेरी मांग से तेरी मांग ही उजड़ जाएगी महारानी महारानी ओ मेरी महारानी 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 और आदरणीय पंजाबी भैया आप एक अच्छे कीर्तनकार हैं शेरे दिल कीर्तन कलाकार हैं यहां से कहानी प्रारंभ हो रही है ये कहानी बिगड़ जाएगी अब देखें कहानी कहां जाती है ये बात हे देवी अपने चारों ही बेटे जय हो ये बात क्या बात है क्या बात है क्या बात है बेटे नारायण चमा बेटे यो मेरे नहीं अपने चारों ही बेटे हमको प्यारे हैं राम भरत तो दोनों नैन हमारे हैं मोरे राम भरत दुई आखी क्या बात सत्य कहां कर शंकर साखी मेरे अपने चारों ही बेटे प्रांत प्यारे हैं राम भरत तो दोनों नैन हमारे राम प्राणों से प्यारा राम प्राणों से प्यारा यही बात सत्य है छिपाना नहीं चाहूंगा राम राम प्राणों से प्यारा यही बात सत्य है राम के बिना हो जाए राम नाम सत्य है क्या बात जब कहकी नहीं सुना रहे तो कहती है तोबा तोबा मैंने फिल्म से उधार ले लिए तोबा तोबा फिर क्या होगा महाराज ने कहा उस रोज तू अभागिन
उस रोज तू अभागी कहीं जाएगी, उस रोज तू अभागी कहीं जाएगी, मेरे खून से तेरी दास्तां लिखी जाएगी। क्या बात कर रहे हो, जब कहानी बनी है तो लिखी नहीं पड़ेगी। उस रोज तू अभागिन कहीं जाएगी, मेरे खून से तेरी दास्तां लिखी जाएगी। टुकड़ा और सुनिएगा। क्या बात, क्या बात, बहुत बढ़िया। आदरणीय हमारे सम्मानित सिल भैया की ओर से ये स्नेह भेंट है हमारे लिए। भैया को कोट कोट शुभकामनाएं, क्योंकि हमसे छोटे हैं आप, इसलिए हमारी कुछ कोट कोट आशीर्वाद भी मंगल कामनाएं हैं। जय हो। हे हे देवी कैकेयी, तेरे तेरे कर में मेरे जीवन की गाड़ी है। ये हो, अपने पैरों पे ही मत मार कुल्हाड़ी है। ये की क्या बात, राम बिना कुल की, राम के बिना कुल बगिया होगी वीरान सी, राम बिना कुल की बगिया होगी वीरान सी, अयोध्यापुरी हो जाए पूरी शमशान सी। एक राम के जाने से एक नहीं, अयोध्या में विनाश हो जाएगा। अयोध्या पूरी हो जाए पूरी शमशान सी। फिर कैकेयी ने कहा, क्या तोबा तोबा फिर क्या होगा, अरे मैं राम को भरत को राजा बनवा दूं, ये कोई नहीं रहेगा, तो राज किस पे होगा। ये बात, तोबा तोबा फिर क्या होगा, फिर जब ये कहानी पढ़ी जाएगी, कहानी बनेगी लिखी जाएगी, और जब लिखी जाएगी तो पढ़ी जाएगी। क्या बात, फिर जब ये कहानी पढ़ी जाएगी तो सारी खता तेरे शीश पे मढ़ी जाएगी। क्या बात, अभी एक टुकड़े का समय और है। क्या बात, वाह भाई वाह। आदरणीय सम्मानीय श्री सुरेश भैया धाकड़ जी की ओर से ये पुनः एक से मुद्राएं भेंट हुए, साधुवाद धन्यवाद है। एक टुकड़ा और सुनने का अभी समय है। अब स्थिति देखिएगा, नौबत अब सांप ससुदर जैसी आई है। नौबत अब सांप ससुदर जैसी आई है, आगे कुआ दिखता और पीछे खाई है। क्या बात, क्या बात, क्या बात, नागिन बन करने लगे, नागिन बन करने लगे जो कुल का नाश है, नागिन बन करने लगे जो कुल का विनाश है,
लाल चंद्र उस नारी का फिर क्या विश्वास है। तोबा तोबा फिर क्या होगा। और ये पंक्ति सुनिएगा अंतिम, तोबा तोबा फिर क्या होगा। विश्वास की अगर डोर कट जाएगी, विश्वास की अगर डोर कट जाएगी, कथा सृष्टि की उसी रोज ही निपट जाएगी। आदरणीय सम्मानीय श्रद्धेय श्री जिया लाल भैया जी की ओर से एक से एक मुद्राएं भेज की गई हैं। विश्वास की अगर डोर कट जाएगी, विश्वास की अगर डोर कट जाएगी, कथा सृष्टि की उसी रोज ही निपट जाएंगे। बोलिए शंकर भगवान की जय हो। आनंद भगवान की जय। कृष्ण कन्हैया लाल की जय। हनुमान जी महाराज की जय। बोलो जगदम्बे मैया की जय। बोलो बाबा मनोहर दास की जय। जैसा कमेटी का आदेश हुआ है, ये आज का दिन इस दंगल का अंतिम दिवस है। चाहे इसे 12 घंटे माने, 10 घंटे माने या 8 घंटे माने, 48 घंटों का ये आयोजन रखा गया, उसमें से ये आज का दिवस ही शेष है और शायद केवल दो दो दौर ही आज के दिन ये पूरे हो पाएंगे। लेकिन अब कमेटी कुछ सतर्क और अलर्ट सी लग रही है, समय बांध दिया गया है। तो लीजिए केवल संक्षिप्त में, मेरे भैया आदरणीय भाई साहब लालचंद जी दीक्षित साहब का संक्षिप्त में जवाब दूंगा और उसके बाद मेरा गीत आपके सामने रखूंगा। भक्त जन आपको परवरदिगार कहते हैं, प्रेम से लोग सब मोहन मुरा कहते हैं। सुदामा विप्र के तुमने इसलिए आपको यारों का यार कहते हैं। एक गीत जो उधर से आया, बहुत पुरानी धुन लेकिन बहुत प्यारी धुन और अच्छे शब्दों का प्रयोग करते हुए मेरे भाई दीक्षित जी ने हमारे सामने रखा है, संक्षिप्त में उसका जवाब दूंगा। महबूबा महबूबा ओ मेरी महबूबा, महबूबा महबूबा तुझे जाना है तो जा, तेरी मर्जी मेरा क्या। हर देख तू जो लूट कर चली जाएगी, तेरे साथ ही मेरे मरने की खबर आएगी। ओ मेरी महबूबा महबूबा
गीत आया उधर से, ओ मेरी महारानी महारानी महारानी, एक वर्ष से हैरानी ना कुछ भी है हानि, वर तू जैसे कहानी बिगड़ जाएगी, वर तू जैसे कहानी और बिगड़ जाएगी, और तेरी मांग से तेरी मांग ही ओ उजड़ जाएगी। आपने राजा दशरथ बनकर के ये बात महारानी के कैसे कही, तो मेरी ओर से केकई के द्वारा राजा दशरथ को क्या कहा गया लीजिए। आदित्य वसुर रण में दीने जो क्षण में आपसे वो वरदान मांगे, आज केकई आपसे वो वरदान मांगे, अब केकई आपसे वो वरदान मांगे, अब केकई रकुल की रीत रखो, रकुल की रीत रखो, गर्व से प्रीत रखो, प्रेम से सम्मान आज मांगे, आज केकई प्रेम से सम्मान आज मांगे, आज केकई प्रेम से सम्मान आज मांगे, आज केकई। अरे जानकी की चाहरा जानकी ना चाह मुझे, और मान की ना चाह मुझे, और तुमसे ना प्यारी जान मांगे, आज के कई प्राणनाथ प्राण मेरे तुम ही हो प्राण मेरे, और प्राणनाथ से ना प्राण मांगे, आज के कई प्राणनाथ से ना क्या कहने लगी के गई। क्या बात है ओ मेरे महाराजा, क्या बात है, क्या बात है। अरे ओ मेरे महाराजा महाराजा महाराजा, कुल और कुल ध्वजा को फेरा जा, रीति को दोहरा जा, बनी रीत कुल की उतर जाएगी, के बनी रीत कुल की उतर जाएगी, तो जग में बनी शोहरत जो है वो निकल जाएगी। जगराम जी भरतपुर वालों की ओर से, और सौ रुपए श्रीमान जी रामचंद्र जी ढाकड़ भरतपुर वाले टीआरओ साहब आपकी ओर से, दोनों को मेरी ओर से हार्दिक धन्यवाद आभारी रहूंगा। और ये 50 रुपए श्रीमान जी सोहनलाल जी ढाकड़ बीरमपुरा निवासी आपके ओर से हार्दिक धन्यवाद आभारी रहूंगा। और ये 20 रुपए भैया नौजवान भैया की ओर से हार्दिक धन्यवाद आभारी रहूंगा। ओ महाराजा महाराजा Yeah।
की कभी ना मैंने मांग है मेरी ओ मांगे कभी ना मैंने मांग है कभी ओ मांगे कभी ना मैंने मांग है मेरी मांग के रहूंगी मांग के रहूंगी आज मांग मैं मेरी रहे ना चाहे मांग ये मेरी ओ बेशक रहे ना चाहे मांग ये मेरी ओ बेशक रहे ना चाहे मांग ये मेरी इसको कहते ओ वरना ना मेरे जो आज दिए मुझको वरना वरना पढ़ोगे झूठे ना दोगे जो वरना वरना पढ़ोगे झूठे ना दोगे जो वरना वरना पढ़ोगे झूठे ना दोगे जो वरना सजना 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 वर दो सजना अरे सजना सजना मेरे वर दो सजना ये 211 रुपए श्रीमान जी यादराम जी ढाकर साहब बझेरा वालों की ओर से हार्दिक धन्यवाद दूंगा आभारी रहूंगा ओ वरना वरना वर दो सजना वरना वरना वर दो सजना और क्या ओ तभी बात सारी उजर जाएगी ओ तभी बात सारी उजर जाएगी के तभी बात सारी उभर जाएगी जो बनी बात सारी बिखर जाएगी